अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो कई बार इससे पहले वीडियो इस पे बन चुका है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते रहते हैं, इसीलिए मैं फिर से बना रहा हूँ नए लोगों के लिए। और जो लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई ये कुछ कबूतर है घर के, तो आज हम वीडियो का टॉपिक जो है वो बात करते हैं उसके ऊपर। वीडियो का टॉपिक है मेरे कबूतर उड़ते नहीं हैं, मेरे कबूतर बस 15 मिनट उड़ते हैं, मेरे कबूतर आधा घंटा उड़ते हैं, मेरे कबूतर उड़ के सामने बैठ जाते हैं, मेरे कबूतर बिल्कुल भी उड़ते नहीं हैं। तो भाई ये है ये टॉपिक है भाई जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं भाई भाइयों के, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई प्रीवियस वीडियोस देखिए, लेकिन बहुत सारे वीडियोस होने की वजह से शायद उनको वीडियोस नहीं मिलती, तो मैंने सोचा कि भाई फिर से एक बार वीडियो बना ही देते हैं। तो भाई फर्स्ट चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट चीज़ आपको कैसे पता होगा कि आपका कबूतर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, आपको पहले अपने कबूतर का टाइप मालूम करना होगा। आपका कबूतर कौन से टाइप का है, क्या आपका कबूतर हाई फ्लायर है, लो फ्लायर है, शो पीस है, फैंसी कबूतर है, या फिर टुकड़ी में उड़ाने वाले हैं जिनको कबूतरों को लड़ाया जाता है, टोली वाले कबूतर। इस तरीके से आपको समझना होगा कि आपके कबूतर है कौन से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भाई आपके कबूतर कौन सा है, आप बिल्कुल भी उसका पोटेंशियल मालूम नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जांपल, अगर मैं होमर कबूतर पालता हूँ और अगर मैं बोलता हूँ उसको कि भाई तू 8 घंटे उड़, वो होमर कबूतर 8 घंटे मेरे घर पे नहीं उड़ेगा, लेकिन उसी होमर कबूतर को अगर मैं दूर लेकर जाके छोड़ दूँ तो वो 8 घंटा उड़ के मेरे पास ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरीके से हर कबूतर का फ्लाइंग का स्टाइल और पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर मैं टोली वाले कबूतरों को बोलूँगा कि 8 घंटा या 6 घंटा या आधे घंटे से बढ़ के उड़ो, टोली वाले कबूतर नहीं उड़ेंगे, लेकिन हाई फ्लायर्स उड़ेंगे, घंटों उड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये समझना होगा पहले कि आपके पास कबूतर कौन से हैं। अपने साथ के शौकीन लोगों से बात करिए या मार्केट में आप जाइए और वहाँ से लोगों को बोलिए कि भाई मुझे कबूतर उड़ाने के लिए चाहिए, ना कि बस घर पे छोड़ने के लिए। तो उसी तरीके से आप कबूतर परचेज़ करिए जो उड़ाने के लायक होते हैं, फर्स्ट चीज़। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर। सेकंड चीज़ ये है कि कबूतरों की प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको करेक्टली सही तरीके से सही टाइम से अपने कबूतरों को बाहर निकालना है, तरीके से उसको उड़ाना है, फिर वापस उसको छोड़ देना है ताकि वो कबूतर वापस बैठ जाए। बहुत सारे भाई ऐसे करते हैं कि भाई मेरे तो कबूतर उड़ नहीं रहे हैं, हर 5 मिनट में वो जाके उसको डंडा लगाते हैं या कोई झंडी से डराते हैं या आवाज़ करते हैं या थाली मारते हैं, तो हर 5 मिनट के लिए कबूतर जो है उड़ता है, 2-4 चक्कर मार के बैठ जाता है। उसके बाद जो कबूतर है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। उसके बाद तो भाई या तो वो कबूतर जाके किसी सामने वाली बिल्डिंग पर बैठ जाता है या फिर वो कबूतर जो है कम्प्लीटली उड़ान अपनी देना बंद कर देता है, एक एक दो दो राउंड लगा कर ही बैठ जाता है। इस तरीके से आपका कबूतर ख़राब होता है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टाइप किस तरीके से उड़ाते हैं। थर्ड चीज़ ये है, आपको आपके कबूतर का ओरिजिनल पोटेंशियल मालूम करना है। हाई फ्लायर्स में भी बहुत सारे टाइप के हाई फ्लायर्स होते हैं भाई, आप इनमें इतनी किस्में हैं, इतने टाइप के कबूतर हैं। तो हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली अब हाई फ्लायर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस उन्हीं के ऊपर करता हूँ। तो जब लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास हाई फ्लायर्स है लेकिन वो कबूतर बिल्कुल भी उड़ते नहीं हैं, क्यों? आपको ये समझना होगा कि भाई वो कबूतर कौन से क्रॉस से बने हैं, उनके माँ बाप कौन से हैं, क्या वो डेफिनेटली हाई फ्लायर्स है या हाई फ्लायर्स की शक्ल में लो फ्लायर्स है, या नॉर्मल कोई कबूतर है जिनकी आँख वाइट कलर में आ चुकी है या रेड कलर में आ चुकी है। ये सारी चीज़ आपको जाननी होगी पहले। जब ये आप जान जाएंगे, आपको ये चेक करना होगा कि भाई आपके कबूतर उड़ने के लायक है भी या नहीं। वो चेक करने के लिए पहले आपको पर चेक करने होंगे कबूतर के पैर, हर चीज़ आपको जो चेक करते चेक करनी होगी। जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चेक करना होगा, फैट कंटेंट, ठीक है। आपका कबूतर कितना मोटा है, मोटा एज इन दिखने में मोटा नहीं, उसके जिस्म पे, उसके कुंदों पे, उसके परों पे कितना फैट है, ठीक है। ये जैसा आप देख सकते हैं, जो कुंदा देख सकते हैं कबूतर का, अगर आप उसको हाथ में पकड़ के थोड़ा सा महसूस करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इस पार्ट पे, अगर आप पकड़ के इसको जूम करेंगे, जब आप पर चेक करते हैं, थोड़ा सा फील करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे चर्बी
चर्बी है। जिस भी कबूतर को कुंदों के ऊपर चर्बी होगी वो कबूतर भाई ज़्यादा देर नहीं उड़ेगा। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप कबूतर उड़ा रहे हैं आपका कबूतर उड़ान के लिए फ़िट होना चाहिए, ना कि बस देखने में फ़िट होना चाहिए। देखने में तो भाई हमारे शो पीस वाले जो कबूतर होते हैं, फैंसी कबूतर, वो भी काफ़ी फ़िट लगते हैं, लेकिन वो उड़ते नहीं हैं। रीज़न वही होता है कि उनकी जो मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती। अब जब हमने मसल्स की बात कर ही ली है तो अब हम कबूतर की एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, जो अलग होती है। कबूतर की एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा मायने करती है। ट्रेन आप करते हैं कबूतर को उड़ने के लिए, लेकिन कबूतर को एक्सरसाइज करने के लिए उसको एक खुली जगह होनी चाहिए या कोई एक ऐसा पिंजरा जिसमें कबूतर अपने पंख फड़फड़ा सकता है। कबूतर अगर उसके पंख ज़्यादा देर नहीं फड़फड़ा सकेगा, ठीक है, तो और ज़्यादा देर बस ऐसे ही बंद रहेगा, उसको उड़ने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी बॉक्स के अंदर। अगर वो मेजॉरिटी टाइम बॉक्स के अंदर रहता है तो कबूतर के ये जो कुंदे होते हैं, ठीक है, ये वाले जो इसके शोल्डर्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं भाई, वो बंद हो जाते हैं। तो कबूतर आपका जो है वो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम उड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं उड़ेगा। तो भाई एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ करने से पहले, जिम में जाने से पहले, जब हम जिम का वर्कआउट शुरू करते हैं उससे पहले जैसे हम वार्म अप करते हैं, उसी तरीके से कबूतरों का भी वार्म अप होना ज़रूरी है। अगर आपका कबूतर वार्म अप नहीं करता तो भाई आपका जो कबूतर है वो बिल्कुल भी आसमान में नहीं जाएगा और प्रॉपर तरीके से नहीं उड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे भाई कबूतर की इन जनरल, आपकी जो डाइट है वो डाइट आप किस तरीके से दे रहे हैं, क्या आपकी डाइट प्रॉपर है या नहीं है। अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो भाई आपको डेफिनेटली डाइट को प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं देंगे कबूतर को, कबूतर बस मोटा हो रहा है और कबूतर फिट नहीं हो रहा, तो भाई उस पर भी कबूतर आपका सही तरीके से नहीं उड़ेगा। पानी आपको सही तरीके से देना है कि भाई आप जब पानी देंगे कबूतर को उड़ने से पहले थोड़ा पानी दीजिए, ताकि जो कबूतर है जल्दी से हाँपे ना और जल्दी से थके ना। ये चीज़ हो गई भाई, बाकी सारी चीज़ें ये हो गई। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि भाई कबूतर के पर जो हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कबूतरों के पंख जो होते हैं पर, यहाँ से जो शोल्डर्स होती हैं वहाँ पे कबूतरों को मार लगा होता है, तो कबूतर ज़्यादा टाइम नहीं उड़ते। तो आपको वो भी नोटिस करना होगा पकड़ के कि आपका कबूतर क्या उसके शोल्डर्स प्रॉपर है या नहीं है। और एक बहुत बड़ा रीज़न जो होता है कबूतर ना उड़ने का, वो है सही टाइम पर कबूतर को बाहर ना छोड़ना। तो अगर आपके कबूतर के बच्चे निकलते हैं तो अगर आप उन बच्चों को बचपन से ही अगर आप बाहर नहीं छोड़ेंगे और उनको पूरा कंप्लीट ऐसे बड़ा अडल्ट कबूतर बनाने के बाद बाहर छोड़ेंगे, तो भाई डेफिनेटली वो जो कबूतर हैं आपके बच्चे, उनके शोल्डर्स लॉक हो चुके होंगे, क्योंकि वो बचपन से पिंजरे में ही हैं, उनके शोल्डर्स में थोड़ी सी भी एक्सरसाइज नहीं की होगी, उनके शोल्डर्स पर पूरा फैट जम चुका होगा। इसके वजह से जो कबूतर है वो बिल्कुल भी आपके उड़ने के लायक नहीं रहते। तो ऐसे कबूतर लोग ला के मोस्टली मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि भाई वो कबूतर टाइम देते ही नहीं। टाइम ना देने का यही रीज़न है भाई कि उसको बचपन से ही अंदर रखा गया है पिंजरे के, और उसको बिल्कुल भी कोई भी तरीके से उड़ान में नहीं डाला गया है। उड़ान में नहीं डालने का रीज़न कुछ भी हो सकता है भाई, या तो भाई के पास जगह नहीं थी, या तो उनके पास टाइम नहीं था, या तो फिर वो कबूतर की नस्ल बनाना चाह रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने वो नस्ल बनाना छोड़ दिया, या उनका वो जोड़ा उनको पसंद नहीं आया। कोई भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से लोगों ने कबूतर को सेल कर दिया होगा। तो इसी वजह से जो हमारे नए शौकीन हैं वो इसी तरीके से जाकर ऐसे कबूतर उठा लाते हैं जो भाई कहीं पर भी के पहले उड़े नहीं हैं, और फिर उसके बाद वो ये देखते हैं कि भाई अरे हमारे कबूतर उड़ते नहीं हैं, और ये बेचारे परेशान होते रहते हैं कि भाई हमारे कबूतर उड़ते क्यों नहीं, और लोग इनको उड़ने वाले कबूतर देंगे बोल के इनको बहुत ज़्यादा धोखा भी देते हैं। तो भाई जब भी आप कबूतर देखें या कबूतर ख़रीदें, मेक श्योर करिए कि ऐसी जगह से ख़रीदें जहाँ आप कबूतर को उड़ता हुआ देख सकें। आपको थोड़ा टाइम लगेगा कबूतर को घर पे आपके सेट करने, लेकिन भाई आपको एक गारंटी तो रहेगी कि हाँ भाई ये कबूतर तो उड़ता है, मैंने उसको उड़ता हुआ देखा है। ना कि आप ऐसा कोई कबूतर मार्केट से ले लें, अगर आप बिगिनर है तो ही, अगर आप बिगिनर है तो ऐसे कोई भी कबूतर मार्केट से ना लें जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई ये बहुत उड़ता है। आप फिज़िकली पर्सनली जाइए, जिसके भी घर पे कबूतर है उनके पास से कबूतर ख़रीद कर लेके रहिए। तो भाई इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। थोड़ा सा टॉपिक को पूरा मैंने जितना हो सकता है सम अप करके बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बता दी हैं आपको, ठीक है। तो जो भी नए आदमी हैं, नए लोग हैं जो देख रहे हैं,
चैनल को, उनको समझ आ जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है, कबूतर क्यों नहीं उड़ता। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा गोल है जुलाई के एंड तक 30,000 सब्सक्राइबर्स का। हम करीब करीब 1,500 सब्सक्राइबर्स दूर हैं, 1,500 सब्सक्राइबर्स दूर हैं इस गोल से, तो इंशाल्लाह आप लोग पूरा कर देंगे इस गोल को, ठीक है। तो ये है भाई कुछ कबूतर घर के, मैंने इनका शॉप पे नहीं करवाया आपको, लेकिन इनका प्रॉपर क्लोजअप मैंने थ्रू आउट द वीडियो बता दिया है। ये मेल है भाई, इसकी फ़ीमेल मर चुकी थी। क्यों मरने का रीज़न ये था कि भाई उसको जो अंडा दे रही थी फ़ीमेल, वो उसी तरीके से अंडा अटक गया था उसको, तो वो अंडा दे नहीं सकी थी और वो फ़ीमेल मर गई। एक ही दिन में मर गई भाई वो, तो एक अंडा दिया था उसने, दूसरे अंडे पे वो मर गई। और ये तो भाई वो वाली पट्टी बनी है, एक मैंने वीडियो बनाया था पट्टों के ऊपर कमज़ोरी का, तो जो मैं पट्टी लेकर आया था जिसका ट्रीटमेंट हुआ था भाई, ये वो वाली पट्टी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं प्रॉपर अडल्ट हो चुकी है और अभी ब्रीड के लायक है, ठीक है। इसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं अभी, लेकिन मैं अभी इनकी ब्रीड तो नहीं करवाऊँगा, मैंने वीडियो पर्पज़ के लिए इनको बस साथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था सिर्फ वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करिए सारे अपने उन भाइयों के साथ जो कबूतरबाजी में नए हैं और उनको बहुत सारे डाउट्स हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करता रहूं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।